हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनोज सर। आज हम यहाँ पे एसएससी में से ज्योमेट्री में से जो भी रिलेटेड सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स से देख सकते हैं आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रिगो एंड कंस्ट्रक्शन, उसमें से कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो बाकी जो चैप्टर है उसमें से कुछ पार्ट डिलीटेड है। लेट अस स्टार्ट विद सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में से क्या क्या डिलीट हुआ है हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो तुमको आना है स्टूडेंट डायरेक्टली पेज नंबर 8 पे आना है। आप देख सकते हो पेज नंबर 8 पे जो एक्टिविटी है वो डिलीट की है। नीचे का जो पार्ट है हमने क्रॉस किया है वो भी डिलीट किया है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो कनेक्टेड है, वो रखना है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 स्टूडेंट, यहाँ पे पेज नंबर 9 पूरा डिलीटेड है। यहाँ पे पेज नंबर 9 पूरा डिलीट किया है। उसके बाद तुमको जाना है पेज नंबर 9 के बाद जाना है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 भी पूरा स्किप किया है स्टूडेंट। अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे जिसका पेज नंबर है, पेज नंबर आप देख सकते हो 11। पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इसको रिमेंबर दिस एक्चुअली। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डिलीट किया है। उसके बाद जाना है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे आप देख सकते हो सॉल्व एग्जांपल्स है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 इज डिलीटेड। आफ्टर दैट उसके बाद जाना है पेज नंबर 13। वहां पे आप देख सकते हो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको स्किप करना है। प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो रोमन नंबर 1 है वो डिलीट है। उसके बाद जाना है पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में सम नंबर 3rd 5th वहां पे उसके बाद 6 एंड 7 वो डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही स्टूडेंट एज इट इज। उसके बाद जाते हैं पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 में सम नंबर 8 9 डिलीट है और सम नंबर 11 डिलीट है। पेज नंबर 15 के बाद तुमको डायरेक्टली आना है स्टूडेंट पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हो 8 और 9 पेज डिलीट, 9th क्वेश्चन डिलीट है, उसके बाद जाते हैं पेज नंबर 28 के बाद पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पे ऊपर का क्वेश्चन जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10 वो डिलीट किया है। अब जाते हैं स्टूडेंट इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2। सो लेट स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर में स्टूडेंट तुमको डायरेक्टली पेज नंबर 40 पे आना है। पेज नंबर 40 पूरा स्किप है, उसके पहले के सब पार्ट रखने हैं, पढ़ने हैं। पेज नंबर 40 स्किप किया है, पेज नंबर 41 स्किप किया है जो थे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद आना है पेज नंबर 42 पूरा स्किप कर सकते हैं। 42 पे है अपोलोनियस थ्योरम, सो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.2 वो भी स्किप की है। आप देख सकते हो हमने क्रॉस किया है। उसके बाद जाना है पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको स्किप किया है। उसके बाद पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 12 स्टूडेंट स्किप किया है। उसके बाद जाते हैं पेज नंबर 46 पे। पेज नंबर 46 पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 स्किप किया है स्टूडेंट। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। इसके बाद जाते हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल। सर्कल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या डिलीट किया है। सो इसमें तुमको डायरेक्टली आना है पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पे थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सेकेंट ये वाला पार्ट पूरा स्किप किया है। अभी पेज नंबर 75 के बाद तुमको जाना है पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 स्टूडेंट बता दूं पूरा स्किप किया है। 76 के बाद 77 भी पूरा स्किप किया है। 77 भी पूरा स्किप किया। 77 के बाद हम जाते हैं पेज नंबर 78 पे। 78 स्टूडेंट वो भी स्किप करना है तुमको। उसके बाद है पेज नंबर 79। 79 भी स्टूडेंट पूरा स्किप किया। यहाँ पे रिमेंबर दिस का जो पार्ट है वो भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद जाना है पेज नंबर 80 पे। 80 पे आप देख सकते हो सॉल्व एग्जांपल है वो स्किप करना है। बाजू में ही पेज नंबर 81 है वो भी पूरा स्किप किया। उसमें रिमेनिंग दो सॉल्व एग्जांपल है वो भी स्किप करना है। उसके बाद पेज नंबर 82 पे आप देख सकते हो एक्सरसाइज नंबर 3.5 वो स्किप किया है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बोलते हैं। बाजू के पेज पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम सेट चालू है, उसमें एमसीक्यू का 7 क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट पेज 87 पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 इज डिलीटेड, 15 इज डिलीटेड एंड देन 88 पे 16 एंड 18 क्वेश्चन इज डिलीटेड। बाद में आते हैं पेज नंबर 89 पे। 89 पे क्वेश्चन नंबर 22 डिलीट किया है एंड देन पेज नंबर 90 पे 24th सम डिलीट किया है। अभी स्टूडेंट जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 में से मैं बता दूं कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तुमको डायरेक्टली जंप करना है पेज नंबर 116 में जो है स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट, उसके पहले सब कुछ आएगा। सो पेज नंबर 116 पे आओ, 116 का जो स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट डिलीट किया है, उसके बाद कंटिन्यू जाओ, 117 पेज स्किप करो, 118 पेज भी स्किप करो, पूरा कॉन्सेप्ट डिलीट है ये। 118 के बाद हम जाते हैं पेज नंबर 119 भी स्टूडेंट पूरा स्किप कर सकते हैं, एक्टिविटीज थे कुछ। 120 पेज भी पूरा स्किप करना है, उधर से सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। 120 के बाद जाते हैं 121 में आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट हो रहा है, ये भी पूरा स्किप करना है, इसमें टोटल 5 सम है। 121 पेज के बाद हमको जाना है 122 पे, ऊपर सम देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 डिलीटेड है। देन प्रॉब्लम सेट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम डिलीट करना है, रोमन नंबर 2 भी डिलीट करना है पेज नंबर। देन जाते हैं विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वैसे स्टूडेंट तुमको बता दूं, यहां पे जो सेगमेंट का पार्ट है वो स्किप किया है, डायरेक्टली जंप करना है पेज नंबर 156। यहां पे सेगमेंट का पार्ट मैंने बोला, 156 157 पेज पूरा स्किप कर सकते हो, कुछ सॉल्व एग्जांपल भी देख रहे हो ये भी स्किप करने हैं। 157 के बाद 158 पूरा स्किप किया है, 159 पूरा स्किप किया है, 159 पे 7.4 स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, अभी 7.4 के कुछ सम्स है वो पीछे के पेज पे, मतलब 159 के बाद आता है 160 पेज पे 3 सम है जिसका नंबर है 3, 4, 5, वो डिलीट किए हैं। अभी चालू करते हैं प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट में ये पेज पे ऊपर कुछ डिलीट नहीं है, 160 के बाद आता है 161 पेज, जो लास्ट वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 10 वो स्किप किया है स्टूडेंट। सो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो डिलीट किया है। सो हमने यहाँ पे आपको सब चैप्टर्स में से कुछ पार्ट जो डिलीट किया वो बता दिए है। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग मी, दिस इज मनोज सर। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा, बाय बाय, सी यू।